शरीर और मन का गहरा संबंध है। यदि मन मजबूत है तो शरीर के रोग धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं, और यदि मन कमजोर है तो शरीर में रोग ना होते हुए भी मानसिक और शारीरिक विकार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यदि शरीर मन के द्वारा नियंत्रित होता है तो फिर मन किस शक्ति के द्वारा नियंत्रित होगा, ये एक रहस्य का विषय है। यदि उस शक्ति को किसी भी प्रकार से बढ़ाया और संतुलित किया जा सके तो फिर शारीरिक और मानसिक विकार अपने आप धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ये एक गहरा रहस्य का विषय है। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए आइए सुनते हैं प्रोफेसर दिनेश आचार्य जी को, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि आखिर ये नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट हमारे मन मस्तिष्क में आते ही क्यों हैं और कब आते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक जरूर देखें। एनर्जी का खेल है सब, ये सब एनर्जी का खेल है। एनर्जी अर्थात शक्ति, मनुष्य के भीतर उसके शरीर को चलाने वाली शक्ति, उसके मन को चलाने वाली शक्ति, उसके भीतर उत्साह, उमंग, जिजीविषा, एंथुजियाज्म, ये सब उसी शक्ति के कारण है। जब तुम में साहस उठता है, संकल्प जागता है, तुम अड़ जाने को आतुर हो जाते हो, जल्दी से घबराते नहीं हो, ये सब ऊर्जा का खेल है। और जब ऊर्जा मनुष्य के भीतर कम होने लगती है तो ठीक वैसे ही जैसे कि बिजली की वोल्टेज गिरने से सारे गैजेट्स काम करने में लुढ़क जाते हैं, मनुष्य अच्छी खासी दिमाग की क्षमता होते हुए भी लुढ़कना शुरू कर देता है। ये भीतर की एनर्जी का ही स्तर होता है कि अगर एनर्जी मनुष्य में सबल है तो मनुष्य को बाहर के नेगेटिव विचार या नेगेटिव लोग या नेगेटिव परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर पाती। ये बात तो सच है कि नेगेटिव लोग, नेगेटिव विचार और नेगेटिव परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं। कोई भी ऐसा इस पृथ्वी पर नहीं है कि जिसके जीवन में नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोग और नेगेटिव परिस्थितियां नहीं आई हों। सबके जीवन में आती हैं, पर अलग अलग लोग इन सभी को अलग अलग प्रकार से इनका सामना करते हैं। वो अलग अलग लोग अलग किस कारण से हैं? एक ही कारण से, अपने भीतर की एनर्जी के लेवल, एनर्जी के स्तर, एनर्जी के भंडार के लेवल पर। जिसमें जितनी ऊर्जा अधिक होती है वो नेगेटिव परिस्थिति, नेगेटिव विचार, नेगेटिव व्यक्तियों के सामने भी बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहता है। समय निकलने पर वो अपना कुछ भी बिना बिगाड़े बाहर आ जाता और फिर से अपने लक्ष्य पर काम करता है। और वही जिनके भीतर औसत स्तर की ऊर्जा होती है वो बेचारे कभी इधर तो कभी उधर, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव जुड़े लेते हैं। जिनमें ऊर्जा कम होती है वो तो बेचारों को हर घड़ी नेगेटिव विचार किसी का आ गया बस प्रभावित कर गया, वो अपना अच्छा खासा रास्ता छोड़ के भटक जाते हैं। कोई नेगेटिव व्यक्ति मिल गया तो उसी से सारा दिन, सारा हफ्ता खराब करके जग देंगे, पूरा जीवन खराब कर लेंगे। और मान लीजिए नेगेटिव परिस्थिति आ गई तो फिर हाथ पैर पड़ गए, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। ये भीतर की ऊर्जा का स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसी को प्राण शक्ति भी कहा गया है। सच है, इसको अनेकों नामों से कहा गया है। इसे हमारे यहां प्राचीन ग्रंथों में तो ब्रह्मांडीय वाष्प भी कहने वाले ने कहा है, ब्रह्मांडीय प्रकाश भी कहा है, अनेकों नामों से संबोधित किया है। और यही ऊर्जा है, जब मनुष्य में बढ़ती जाती है तो मनुष्य अनेकों प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। मैं जानता हूं कि हम सब आज की इस विषम युग में जो इतना कॉम्प्लेक्स है, हमें जूझने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। नेगेटिव परिस्थिति, नेगेटिव व्यक्ति और नेगेटिव विचारों से जूझने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन सबसे जूझने में इतनी शक्ति लग जाती है कि क्रिएटिविटी के लिए, मीनिंगफुल काम का काम करने के लिए, सकारात्मक के लिए ऊर्जा बड़ी कम बचती है। पावर ऑफ संकल्प ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम में हमने इस विषय का विशेष ध्यान रखा और मनुष्य के भीतर उसकी ऊर्जा का स्तर कैसे बढ़े, सतत बढ़ता रहे, निरंतर बढ़ता रहे, उसकी वाणी में, उसके विचारों में, उसकी आभा में, उसके आसपास किस प्रकार सकारात्मकता छाई रहे, विपरीत परिस्थितियों में भी, नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोगों के बीच भी वो अपने आप को बचा करके कैसे निकल जाए, इस पर हम लोग विशेष ध्यान इस पावर ऑफ संकल्प के ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम में देते हैं।
अगर जुड़ना चाहते हो तो ऊपर लिखा हुआ ईमेल है, बोल भी देता हूं, info@growbizguru.guru पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख करके भेजो, हम तुम्हें संपर्क करके जानकारी देंगे।